बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है, खासकर जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से जुबानी जंग प्रशांत किशोर ने शुरू करा दी है, इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। अब पीके अपरोक्ष रूप से पार्टी के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि इस बैठक में प्रशांत किशोर शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक 28 जनवरी को एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक बड़ी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो क्या इसे उनकी तरफ से एक बड़ा राजनीतिक संकेत कहा जाए? क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? कुछ जानकार राजनीतिक तो ये भी कह रहे हैं कि बीते दिनों प्रशांत किशोर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से न सिर्फ पार्टी असहज महसूस कर रही है, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार भी कई बार दुविधाजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का बैठक से बाहर रहना जेडीयू और बिहार की राजनीति के लिए बड़ा अहम होगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा नाराज हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव के लिए जेडीयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीके और पवन वर्मा का नाम नहीं है, जबकि हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में पीके को काफी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं बीते 22 और 23 जनवरी को राजगीर में जेडीयू का 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर भी हुआ था, जिसमें भी पीके गायब थे। जबकि पिछली बार प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से पार्टी वर्करों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके साथ ही ये कार्यक्रम हुआ था। हालांकि अभी तक खुलकर सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते से प्रशांत किशोर बिहार में परमानेंट डेरा डालने वाले हैं। इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि वो बिहार में महागठबंधन की पार्टियों के संपर्क में हैं और इस बार जो चुनाव प्रचार वो करने जा रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए करने जा रहे हैं। हालांकि राजद ने अपनी तरफ से प्रशांत किशोर को कभी भी न्योता नहीं दिया है, मगर एक बात जरूर राजद की तरफ से बार बार आ रहा है कि पहले वो नीतीश कुमार को छोड़ देंगे तो कोई बात हो सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो यूपी में पहले भी वो कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं और राहुल गांधी की टीम से वो जुड़े भी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उनके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वही बात अगर हम करें तो रालोसपा के भी माधव आनंद ने पूर्व में भी प्रशांत किशोर को अपने महागठबंधन में न्योता दिया था। अब ऐसी परिस्थिति में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के इस बड़े आयोजन से वो दूरी बनाकर रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से उनकी दोस्ती बनाने के चर्चे सामने आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार आखिर क्या डिसीजन लेंगे? क्या प्रशांत किशोर को वो अपनी पार्टी से बाहर करेंगे या फिर अंतह मन से उन्होंने प्रशांत किशोर को बाहर ही कर दिया है? बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।